वेलकम बैक टू माय व्लॉग। ये मेरा तीसरा व्लॉग है गाइस। आज मैं आप लोगों को अपने ऑफिस का टूर कराऊंगा जहां मैं जॉब करता हूं। सुबह मैं शूट नहीं कर पाया था तो अभी मैं शूट कर रहा हूं ऑफिस से आने के बाद। पूरे दिन दिमाग खराब करने के बाद अब हम घर पे आ चुके हैं। अब मैं शूट कर रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मैंने वहाँ पर क्या किया, क्या मैं काम कराता हूँ, जहाँ मैं काम कराता हूँ कैसी यूनिवर्सिटी है और वहाँ क्या क्या काम होता है। आप लोगों का ज्यादा समय ना खराब करते हुए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पर वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलता रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या बात है, चलिए शुरू करते हैं। तो सुबह सबसे पहले हमने हेलमेट उठाया। हेलमेट उठाने के बाद हम चल दिए अपनी बाइक की ओर जो कि खड़ी है घर के बाहर। बाहर जाने के लिए पहले हमें खोलना होगा अपना दरवाज़ा जो कि अभी खुला हुआ है, घर वालों ने लगता है खोल दिया है। दरवाज़ा खोलने के बाद सामने खड़ी है हमारी बाइक जो मैंने पहले ही नीचे उतार दी थी। फिर मैंने बाइक में लगाई चाबी, चाबी लगने गई थी तो मैंने थोड़ी मेहनत करने के बाद बाइक में चाबी लगा दी और हमने अपना सफ़र कर दिया शुरू अपने जॉब पर जाने के लिए। अब मैं पहुंच गया हूं खाटू श्याम बाबा के मंदिर के पास जो सोनीपत में बहुत ज़्यादा फेमस है। ये देखिए इस खाटू श्याम बाबा का मंदिर। अब हम पहुंच गए हैं आईटीआई वाले पुल पे। इस पुल को क्रॉस करने के बाद यहाँ पे ट्रैफिक भी ज़्यादा बढ़ गया थोड़ा, पर यहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद रास्ता कच्चा है तो मैं अभी कैमरा बंद कर दे रहा हूँ। पूरा 20 मिनट का सफ़र करने के बाद अब हम पहुँच गए हैं अपनी यूनिवर्सिटी के पास। सामने यहाँ पर पार्किंग है, यहाँ पर बाइक लगा के पार्किंग अब हम जाएंगे अपनी यूनिवर्सिटी की। यूनिवर्सिटी के अंदर हम आ चुके हैं। यह हॉस्टल नंबर 4 और 3 11। ये हॉस्टल नंबर 11 जहाँ मैं जॉब करता हूँ, ये हॉस्टल नंबर 11 है ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी के अंदर मैं काम करता हूँ यहाँ पे हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र का। अभी हम यहाँ से अंदर जाएंगे क्योंकि ये है मेन एंट्रेंस जहाँ से हम अंदर एंटर करते हैं हॉस्टल के अंदर। यहाँ पे सामने ही गेट खुलती है, आपको दिखेगी मैस जहाँ पे स्टूडेंट्स लोग खाना खाते हैं। खाना खाते सामने मेरा स्टाफ भी बैठा हुआ है। सबको काम लगाने के बाद चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपने ऑफिस। ये है हमारा ऑफिस। ये हमारे यहाँ सोफे रखे हुए हैं दो। ये हमारे सर की टेबल है, पहले यहाँ पे मिलवा देता हूँ आपको। ये हमारे की रैक्स हैं जो स्टूडेंट्स के लिए हम कीज देते हैं, ठीक है। ये हमारी ये दो बुक शेल्फ्स लगी हुई हैं दोनों टेबल्स के ऊपर। यहाँ पे स्पोक बैठता है जो गुडोस की तरफ से है। और ये है हमारा टेबल, देखो कितनी क्या बुरी हालत है इसकी। और ये है हमारी चेयर जिस पे हम पूरे दिन अब बैठेंगे, काम कराएंगे यहाँ से बैठ के ही। आपने देखा मेरा ऑफिस, यहाँ पे मैं बैठता हूँ पूरे दिन काम कराता हूँ। और ये इतनी सारी फाइल्स रखी हुई हैं जो सिर्फ ए शिफ्ट वाले को करनी पड़ती है क्योंकि ए शिफ्ट में मारता हूँ और जो बी शिफ्ट में आता है उसको सिर्फ 2 ही फाइल करनी होती हैं। इतनी सारी फाइल्स बुक्स हैं जो हमें रोज़ डेली भरनी होती हैं। काफ़ी परेशानी होती है पर कोई बात नहीं, काम तो काम होता है। ये हमारी टेबल है, इसके अंदर देखिए टैब रखा हुआ है जो इन्होंने हमें दिया हुआ है, लेनोवो का सस्ता सा टैब है। ऐसे खड़ा भी हो जाता है और ऐसे लेट भी जाता है, फुल इंजॉय। ये हमारे ऑफिस की चाबी है, ये फाइल्स वगैरह है कुछ, ये इंची टेप मैंने रखा हुआ है छिपा के, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। चलता भी है, चलता भी है। ये देखिए इसमें पासवर्ड भी लगा हुआ, पासवर्ड नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को मैं। अभी मैं आप लोगों को हॉस्टल का राउंड दिखाऊंगा जहाँ पे मैं अभी बैठा हुआ हूँ। अभी तो इस वक्त मेरा ऑफिस है, ठीक है। अभी हम जाएंगे बाहर, अपने स्टाफ से मिलवाएंगे आपको जिनकी अभी मैंने फोटो दिया आप लोगों को। उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा कैसे क्या काम होता है यहाँ पे, कैसे मैं करवाता हूँ काम, किसकी कहाँ ड्यूटी लगी है। सबसे आपको मिलवाऊँगा तो नहीं क्योंकि कोई पसंद करे या ना करे वीडियो में आने के लिए, पर फिर भी जैसा भी मैं आप लोगों को चोरी छुप के दिखाता हूँ, ठीक है, कैसे क्या काम हो रहा है यहाँ पे। अपने ऑफिस के बारे में और भी कुछ दिखाता हूँ, मेरे इस ऑफिस के अंदर क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ये बाथरूम है, ये बाथरूम है, यहाँ पे आप फ्रेश भी हो सकते हो, वो तो हम भी सकते हैं, पर शीशा लगा हुआ काफ़ी अच्छा है, अच्छा व्यू आता है अगर आप अपने चेहरे को शीशे में देखते हो। दो पौधे भी लगे हुए हैं, आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है पंखों की, यहाँ पे मशीन भी चली हुई है ना। ये देखिए हमारे ऑफिस में मिरर है, बिल्कुल रूम टाइप है, काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ पे, आप ले सकते हो अपनी सेल्फी वगैरह अगर आप लेना चाहो तो। एसी भी लगा हुआ है गाइस, पर अभी ठंड आ गया तो एसी की इतनी ज़्यादा आवश्यकता है नहीं हमें। यहाँ पे प्रिंटर है, उनकी बुक्स हैं। खैर मैंने आपको पहले गलत बताया, स्पोक यहाँ बैठता है, यहाँ बैठता है जैसे जो स्पोक का हेल्पर होता है।
कैसा लगा आप लोगों को मेरा ऑफिस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। जॉब करता हूँ यह ओपी जनरल यूनिवर्सिटी और यहाँ पे दो कंपनियाँ हैं, एक सोडेक्सो है, गुड होस्ट है। तो मैं सोडेक्सो की तरफ से सुपरवाइज़र हूँ, हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र, मतलब हमारा साफ सफाई का काम है बोलो तो, झाड़ू पोछा कराने का। अभी मैं आप लोगों को जाता हूँ ऊपर, ऊपर से चलते हैं 7th फ्लोर से, दिखाता हूँ आपको क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, फिर आप लोग बताना आपको यूनिवर्सिटी और मेरा हॉस्टल कैसा लगा जहाँ मैं जॉब करता हूँ। इससे आप ऊपर नीचे जा सकते हो, शीशा लगा हुआ है यहाँ भी मिरर, इसमें आप अपना खुद का चेहरा भी देख सकते हो। ये देखिए, इससे मैं पता लगता हूँ कौन से फ्लोर पे हैं, कब तक पहुँच जाएंगे। 7th फ्लोर पे जा रहे हैं अभी हम, यहाँ पे हमारी बंदों की टीम लगी हुई है काम करने के लिए। देखिए 7th फ्लोर पे जा रहे हैं, तब तक हम अपने आप को देख लेते हैं मिरर में कैसे लग रहे हैं। वैसे तो नहा के आए थे पर लग नहीं रहा अभी, क्या हम नहा के भी आए थे, आवाज़ गूंजती है। देखिए कैमरा भी लगा हुआ है गाइस, बहुत पैसा है यहाँ पे। जिंदल का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिंदल साहब, जिंदल स्टील्स, उन्हीं की एक यूनिवर्सिटी है। ये हम 7th फ्लोर पे आ गए हैं, जिन्ना हम इसको हिंदी में बोलते हैं हमारे यहाँ पे लोकल में। यहाँ से हम चढ़ते हुए अब जाएंगे जहाँ काम हो रहा है, जहाँ पे ऊपर अभी मैं काम करवा रहा हूँ वहाँ पहुँच गए हैं। ये गेट है जो खुलता है और बंद होता है, यहाँ से आप अंदर जा सकते हो। यहाँ तो मैं छत की साफ सफाई करा रहा था गाइस, यहाँ पे देखो झाड़ू लेके खड़ा है एक लड़का, उसका नाम है सिलेंडर। छत को आज ये पूरी तरीके से साफ करके यहाँ पे देंगे हमें, ये गीजर्स लगे हुए हैं यहाँ पे। छत है यहाँ पे काफ़ी फैसिलिटी दी गई है ओपी जी द्वारा, फायर का पानी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी पानी रखने छुपा है। अब हम वापस जा रहे हैं नीचे की तरफ, देखते हैं बाकी बंदे क्या काम कर रहे हैं। और इसका तो आपको पता ही है दरवाजा है जो गाइस, हम वापस लिफ्ट में आ गए। अब जाना हमें 2nd फ्लोर पे, वहाँ देखते हैं क्या काम हो रहा है। वहाँ पे मैंने मशीन चलाने को बोला है, ये देखिए अब हम जा रहे हैं दूसरे फ्लोर पे, दिख नहीं रहा है कोई बात नहीं, लाइट ज़्यादा है। तो गाइस हम आ गए हैं दूसरे फ्लोर पे, यहाँ पे वो लड़का है एक मनीष नाम का जो यहाँ पे मशीन चला रहा है। अभी मशीन चलाने के बाद ये काफ़ी साफ़ हो जाता है, यहाँ पे मोपिंग करने की आवश्यकता नहीं रहती है इससे। ये देखिए इससे मशीन संभल नहीं रही है, फिर भी मशीन चलाने की पूरी कोशिश कर रहा है। चलो हम इसकी हेल्प कर देते हैं, गेट खोल के ला मैं खोल लूँगा। निकाल ले, चलो आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। ये सुपर ब्लॉक है, वो हॉस्टल 3 और 4, ये बीच का रोड है जहाँ से हम आए थे अभी एंट्री करके, मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं कि हम हो गए थे परेशान। अब हम जाएंगे स्टेज से नीचे 2nd फ्लोर से 1st फ्लोर, इतना तो हम कर ही सकते हैं क्यों गाइस, और सेहत के लिए भी अच्छा होता है, हमें बार बार स्टेज का ही यूज़ करना चाहिए ना कि लिफ्ट का। अगर लिफ्ट बंद होगी तो आप लिफ्ट के अंदर फंस भी सकते हो। अब मैं यहाँ बैठ के अपनी जो फाइल्स मैंने दिखाई थी आपको किताब, वो मैं भर लेता हूँ, वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम फिर जाएंगे राउंड पे अपने फ्रेंड्स के पास जो और सुपरवाइज़र हैं, वो उसका तो आप लोगों को मिलवाऊँगा उनसे। हम आ गए हैं राउंड पे, हम बैठे हुए हैं साथ में अपने सुपरवाइजर के साथ, ये है मिस्टर नरेश और ये है मिस्टर सचिन जो है SH1 और SH10 के सुपरवाइज़र। इसका नरेश जी को आई हुई है नींद, हम चलते हैं वापस। अब हो गया छुट्टी का टाइम, सो जाने से पहले आपको एक बार फिर से अपनी यूनिवर्सिटी का फेस दिखा देता हूँ। SH1 के सामने हम खड़े हुए हैं SH11 में, ये है SH11 की एंट्री जहाँ से हम एंट्री करते हैं। अभी हम आपसे मिलवाएंगे मिस्टर अजय सुपरवाइजर से जो हमारे SH1 के बी शिफ्ट के दूसरे सुपरवाइजर हैं, ये यहाँ से आ रहे हैं काम करते हुए। अब हम जाएंगे वापस घर की तरफ। सो गाइस अब ये हमारी छुट्टी, अब हम अपने SH11 के हॉस्टल से निकल के जा रहे हैं बाइक की तरफ, यहाँ से हम बाइक उठाएंगे और घर की तरफ निकल जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। तो हम पहुंच गए हैं घर की तरफ, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना गाइस। हैव अ गुड।